अतिरुद्र यज्ञ, शिव महापुराण कथा, दंत चिकित्सा कैंप, हेल्थ केयर कैंप, अनेक प्रकार के सामाजिक उत्थान के कार्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, 1 करोड़ बिल्ली पत्र का अभिषेक, 1 लाख ब्राह्मण सोमनाथ महादेव के सानिध्य में भी पधारेंगे और समूह शिव महेंद्र स्तोत्र का पाठ करेंगे। मगर ये सब कार्य कैसे होगा? तो अभी हमने कहा कि मेरा आपकी कृपा से, उनकी कृपा बरसेगी तब, और कृपा कब बरसेगी? जब उसका नाम लेंगे तो पूरा जगत इस भगवान का नाम लेंगे तो कृपा आएगी तो ये कार्य होगा तो विश्व कल्याण होगा। और विश्व कल्याण हेतु आयोजित इस सोमनाथ महोत्सव में 135 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्र लेखन का संकल्प किया है। गुजराती सावन मास जब से आरंभ हुआ तब से ये मंत्र लेखन का कार्य शुरू हो गया है। मुंबई से हमारे दाता योगेश भाई चंद्रा में आप पेंटिंग मिले हुए, अभय भाई, दिनेश भाई, एक भाई ने तो संकल्प किया कि 25 करोड़ मंत्र मैं लिखवाऊंगा। अशोक हरियाणा बड़े मस्त बंदा, तो आपको मैं निमंत्रण देता हूं कि आप पहले तो ये 15 फरवरी से 23 फरवरी 2020 आप सब सादर निमंत्रित है सोमनाथ में और ओम नमः शिवाय मंत्र लेखन आप करें। यह पुस्तिका है, कल आप ले जाना, जितनी चाहिए उतनी मंगाना। आप कोई भी भाषा में, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा में ओम नमः शिवाय मंत्र लेखन करें। इस मंत्र को वहां भारत में लाया जाएगा, सोमनाथ महादेव को अर्पण किया जाएगा, उसकी पोथी बनेगी, पोथी यात्रा में उसको सजाया जाएगा, फिर बाद में मंत्र मंदिर का निर्माण होगा। 9 दिवस तक इस मंत्र मंदिर का पूजन होगा, अर्चन होगा, आरती होगी, फेरी होगा, परिक्रमा होगी, फिर बाद में उसका विसर्जन किया जाएगा। तो ये अद्भुत अभूतपूर्व विश्व में सबसे पहली बार होने जाने वाला ये महाशिव यज्ञ, उस यज्ञ में सोमनाथ महोत्सव में वेला तो सोमनाथ महादेव, जहां पर विश्व में पहली बार महादेव प्रकट हुए, सौराष्ट्र सोमनाथ, सौराष्ट्र का सोमनाथ, और कृष्ण भी कहां गए? द्वारिका गए। तो ये सौ क्षेत्र, गिरनार की भूमि, सोमनाथ की भूमि, अरबी समुद्र की भूमि, दक्षिण ध्रुव तक कुछ नहीं है, भगवान शिव को जहां पर विराजित है सोमनाथ में, साउथ पोल तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी और पानी है। ऐसे अवधर दानी महादेव के सानिध्य में आप पहुंचो तो बहुत बढ़िया, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, मगर आपकी 11, 21, 51, 108 बुक लिख के आपकी पोथी वहां पहुंचे तो आपकी हाजिरी लग जाएगी। बस मैं आप सबको गर्भवत प्रार्थना करता हूं, अब तारीख याद रखें, अब एक बार में आने वाला उसके बाद आता है, तो आप अपने घर के जितने सभ्य है उतनी बुक तो मिनिमम लिखें, या तो प्रत्येक व्यक्ति की 5 लिखें, जितना हो सके मंत्र लेखन में मैं आप सबको सादर निमंत्रित करता हूं। हर हर महादेव, घर घर महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय सोमनाथ, जय गिरनार। सॉरी।